कबीर जी दे एक श्लोक दे एक वर्ड हैगा बेगमपुरा। बेगमपुरा एक शहर का नाम है जिदा के कोई ज्योग्राफिकल ओरिजिन नहीं है। बेगमपुरा का मतलब है बेगमपुरा, जिथे कोई गम नहीं है, दैट इज़ बेगमपुरा। ठीक है, सो देयर आर थ्री स्टेप्स टू दैट बेगमपुरा। सब तो इंपॉर्टेंट नंबर वन स्टेप जिन्हों के असी कभी कंसिडर ही नहीं करते और जिदे करके वी ऑल लैंड इन टू दैट बरो और पिट और होल, ओ वै कि असी अपने परमात्मा नू या वो नैचुरल फोर्स या वो हाईएस्ट फोर्स जिन्हें सानू सब कुछ दिता है उन्हों असी याद नहीं रखते। ठीक है, उन्हों असी पंजाबी दे विच या आम साड़ी इंडियन लैंग्वेज विच असी उन्हों सिमरन करना भी कहने हैं। सिमरन दा जस मतलब हुंदा है रिमेंबरिंग द वन पावर विच इज़ गिविंग अस एवरीथिंग। ठीक है, दैट इज़ द वन स्टेप। द सेकेंड विच आई विल टेक टूडे इज़ एप्रीशिएट योर पोजेशंस और वॉट एवर यू कॉल योर वेल्थ और योर ट्रेजर। एंड द थर्ड इज़ वाई वी आर नॉट हैप्पी, या असी दुखी क्यों रहने हैं या असी सुखी क्यों नहीं रहते सब कुछ होने के बावजूद, क्योंकि असी मोह दे मारे हुए हैं। मोह ते प्यार दे विच बहुत फर्क है। प्यार दे नाल संगल नहीं बनने होंगे, जबकि मोह दे नाल ऑब्सेसिवनेस पोजेसिवनेस होंदी है जिहड़ी कि संगलां नाल बननी होंदी है। सो मोह वी विल टेक इन टू द नेक्स्ट टाइम। टूडे आई विल फोकस ऑन टू द फर्स्ट टू स्टेप्स। नाउ अगेन आई विल स्टार्ट विद अ स्टोरी कि जिस तरह असी सारे जाने सुख लई अस्पायर करते हैं और सुख नू हासिल करन लई असी बिजनेस करते हैं, असी दुकाना खोलते हैं, असी पढ़ाइयाँ करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बिकॉज अवर सिंगल फोकस इज कि असी सुखी होना। और उस तो पहला एक स्टेप होंगे जिन्हों असी सोचते हैं कि यह सुख का रस्ता है कि पहले असी धन अचीव करेंगे, वो ऑटोमैटिकली जरा वै सुख मोस्टली आ जाता है। सो लाइक अस देयर वॉज अ मैन जरा कि सारी उम्र मेहनत करता है और बहुत धन इकट्ठा करता है और जदों वो जिंदगी दे अखीरले दिन आ जाते हैं तो उन्होंने लगता है कि मैं इन्ना धन इकट्ठा कर लिया, हीरे जवाहरात मेरे को हो गए, जदादा मेरे को हो गया, पर मैनू सुख की झलक नहीं मिली है। हूँ मेरी जिंदगी का सूरज डुबन वाला अज गया कि कल गया, तो इस तो पहले यह डुब जाए तो वह तैयार कर लैंदा कि मैं एक सुख की झलक तो लैनी लैनी है। हूँ वो की करता है, उस सुख की झलक लैन वास्ते जो उन्हें अपना सारी उम्र कमाया होंदा उन्हूं एक झोले च पाता है, बनदा झोले दे विच। ते यूजली ये चीज़ा असी सोचते हैं संसारिक बंदियां तो नहीं मिल रहे, तो असी फकीरां या महापुरशां की खोज विच जाने कि शायद दे आर वाइजर पीपल, दे कैन गाइड अस बैटर। सो फकीरां कोल जांदा है ते जदों अपना धन उन्हां नूं दिखांदा है ते कहिंदा कि जी मैं मेरे कोलो सारा धन लै लो, मेरी सारी उम्र की कमाई लै लो, मैनू बस एक सुख की झलक दिखा दिओ। तो जिहड़े भी फकीर हुंदे आ उहदा धन देख के कहिंदे ने कि सुख तैनू दे ते दईए, पर जे साडे कोल होवे असीं वी कदी देखिआ होवे ते तैनू दे दईए। लगदा तो सानू कुछ इस तरह दा हैगा कि जिहड़ा धन तेरे कोल हैगा इहनूं देख के लगदा कि जे साडे कोल आ जाए तो शायद असी सुख हो जाइए। लालसा उन्हां दे मन च आ जांदी है फिर भी, क्योंकि उन्हां दे बड़े सालां दी साधना हुंदी है अपने मन की लालसा के उत्ते काबू पा के। कहिंदे ने कि इस तो पहला असी अपने रस्ते तो डग मगा जाइए, इहनूं बन अपने झोली नूं ते इत्थों लै जा। करद्या 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 पेंडा करद्या करद्या कोई उन्हूं एक फकीर का रस्ता दसदा, कहिंदे कि है तो वह उल्टा सीधा बंदा पर हो सकता है तेरी गल उत्थे बन जाए। जिथे उन्हूं दस्या जांदा उस फकीर कोल ओह जांदा है, देखदा एक दरखत दे थले पिंड दे विच बैठा हुंदा है ते जाके अपनी कथा उन्हूं सारी सुनांदा है ते अपनी जिहड़ी झोली हुंदी है उहदे सामने खोल दिंदा है। अरबां दा लखां दा उहदे च हीरा जवाहरात हुंदा है ते उहनूं कहिंदा है कि पहलां ते अपनी
झोले नू बंद कर, ए कचरे नू इत्थों चुक ते इहनू पासे रख। लगदा उहनू कि शायद मैं ठीक जगह ते आ गया वां। जिहड़े पहले फकीर सीगे उहनां दीआं अक्खां च ते इहनू देख के लालसा आ गई सी, ते इह कहिंदा ते ठीक पिआ कि बई झोले नू बंद कर ते कचरे नू चुक के साइड ते रख। तो साइड ते रखदा ही है, तो एक क्षण भी नहीं हुंदा, हाले एक पल भी नहीं हुंदा, वो फकीर वो झोला चुकदा ते दौड़ जांदा, हक्का बक्का रह जांदा, उहनूं कुछ समझ नहीं लगदी, तो देखदा कि वह गया तो वह गया तो वह गया, तो 9-2-11 हो जांदा। उहदे पिछे भजदा, उहनूं कहिंदा बदमाश है, लुच्चा है, ये तैनूं फकीर किन्ने कहा। तो रस्ता उहदा जाणिआ पछाणिआ हुंदा फकीर दा, जंगल नूं भी जाणदा हुंदा, पिंड नूं भी जाणदा हुंदा, सो उहनूं फड़ ते नहीं पाउंदा। तो जदों पिंड वाले देखदे आ कि कोई गड़बड़ होई है, तो देखदे आ कि फकीर भजदा गया, तो वह बंदा धनवान जिहड़ा पिंड वालिआं नूं कहिंदा कि फकीर नूं फड़ो, यह कोई फकीर नहीं हैगा, बदमाश बंदा हैगा, मेरा सारा धन लै के चला गया। हसन लग पैंदे अगों, तो कोई भी उहदी मदद नहीं करदा, बड़ा हैरान हुंदा, होर गुस्से च आ जांदा, कहिंदा ओ फकीर ते की तुसीं सारे रले होए हो, तुसीं भी उहदे नाल बदमाश हो ते उहदा साथ दिंदे हो। जांदा उहदे पिछे पिछे जांदा, कदी भज्जिआ नहीं हुंदा, हफदा साओ साई हो जांदा, फिर भी फड़िआ नहीं जांदा, वापसी करदा, देखदा ते देखदा, ते उसे दरख्त दे थल्ले जिहड़ा उहदा झोला पिआ हुंदा, ते जदों झोले नूं देखदा ते फटाफट अपनी हिक दे नाल लांदा, ते कहिंदा परमात्मा तू धन है, तेरा धनवाद है, शांति आ गई, एकदम सुख मिल गया। ते उह जिहड़ा फकीर हुंदा उह पिछे झाड़ियां दे विच छुपिआ हुंदा, ते उह धनवान व्यक्ति नूं पता नहीं हुंदा कि उह झाड़ियां दे विच छुपिआ होया। झाड़ियां चों निकलदा ते कहिंदा फिर मिल गई झलक सुख दी। जदों देखदा कि इस गल का की मतलब है, तो उहदे पैरां ते डिग जांदा, तो उहनूं कहिंदा कि वाकई मैनूं सुख दी झलक मिली है। तो फकीर कहिंदा कि इहनूं पाउण दा इस तों सिवाए कोई होर रस्ता नहीं सी, जदों तां इह तेरे कोल सी, तूं कदी अज तक ना तो परमात्मा नूं याद कीता, ना उहदा कदी धन्नवाद कीता, ते जदों तिकन कोई चीज़ विछड़ ना जाए, खोई ना जाए, दूर ना चली जाए, ते उहदी कीमत जिहड़ी है नहीं पैंदी। सो वी आर ऑल लाइक, जो भी साडे कोल हुंदा है, भावें उह रिश्तियां दे रूप विच है, भावें उह जदादां दे रूप च है, भावें उह बच्चियां दे रूप च है, भावें वैल्थ दे रूप च है, भावें नौकरी दे रूप दे विच है, जदों तिकन साडे कोल हुंदा असी उहनूं एप्रीशिएट नहीं करदे आ। बट जिस दिन उह साडे कोलों खोया जांदा है, उस दिन सानूं उहदा अहसास हुंदा है कि उहदी कीमत की सी, और फिर असी उसे चीज़ नूं सुख दे नाल जोड़दे आ। सो सुख कोई चीज़ नहीं है, वस्तु नहीं है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड विच इज़ कॉल्ड बेगमपुरा। और इनू जाण दा रस्ता ऐ वै कि जो तुहाडे कोल हैगा उहनू एक्नोलेज करो, उहनू एप्रीशिएट करो, एंड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड वट एवर ही हैज़ ब्लेस्ड यू विथ। सो थर्ड थिंग अगेन इज, जिहड़ा साडे सुख दे रस्ते दे विच बाधा पाउंदा है वह है साडा मोह। हुण मोह की है? मोह है कि जिहड़े जंजीरां नाल असी बन्ने होए आ। इसे तरह एक व्यापारी दे 100 ऊंट हुंदे आ, ते ऊंटां नूं लै के मारूथल जांदा है, ते हनेरी वगण लग पैंदी है बहुत ज़्यादा, ते ऊंटां नूं बन्नदा है, 99 नूं ते खूंटी नाल बन्न दिंदा है, ते एक दी खूंटी ते रस्सी गुआच जांदी है। हुण उह ऊंट जिहड़ा उह खड़ा रहिंदा है, ते सामने एक महापुरशां दा डेरा हुंदा है, देखदे ने कि जिहड़ा व्यापारी है ये बैठता नहीं पिया, पुछदा है भी क्यों तू आराम नाल नहीं बैठता पिया, ते दसदा है कि महाराज 99 ते बन्न दित्ते है, ते एक दी रस्सी
ते गुआच गई है खूंटी, ते उन्हें समझाते ने कि बंदा नहीं हैगा, जानवर हैगा, मूड मत हैगा, इनू एक्टिंग करके ये गले च रस्सी पा, ते गले दे विच रस्सी पा के खूंटी नाल बंद दे एक्टिंग करके, वो इस तरह ही करता है, ते बन्निया जांदा है, ते ऊंट बह जांदा है, सवेरे सारे ऊंटां नूं उठांदा है, सब दियां रस्सियां खुलदियां, सारे उठ जांदे ने, वो वाला ऊंट जिहड़ा वो खुलदा नहीं है। फिर महापुरशां नूं पुछदा, ते महापुरश कहिंदे इहदी रस्सी ते खुल लेंगा ते उठेगा, वो कहिंदे रस्सी ते मैं बन्नी नहीं, वो कहिंदे जिहड़ी राती बन्नी सीगी उहदे दिमाग च ते वो बन्नी होई है ना, ते वो जिहड़ी बन्नी होई रस्सी है ना उहनूं खुल लेंगा ते उठेगा। उस तरह फिर दोबारा एक्टिंग करदा है, फिर ऊंट खुल जांदा है। सो साढ़े ते ऊंट दे विच कोई फर्क नहीं है, सानू देखन दे विच किसे रस्सी नाल, सानू अपने पति नाल, पत्नी नाल, बच्चियां नाल, दुकान नाल, मकान नाल नहीं बन्ने दिखदे, पर अंदरों साडा मन मोह दी रस्सी दे नाल बन्निया है, जिहड़ी कि दिखदी नहीं। किसे बीवी ने अपने पति दे पैरां दे विच रस्सी नहीं बन्नी होई, कोई संगल नहीं बन्निया होया, कोई दुकान किसी बंदे लिए रोंदी नहीं है, किसी की डैथ हो जाती दुकान मकान उत्थे खड़े रहिंदे ने, कोई पिछे नहीं जाते, जे वो मोह नाल नहीं बन्ने हुए, मोह नाल असी बन्ने हुए हैं। और यह सारियां सारियां झूठियां रस्सियां ने, एक्टिंग दियां रस्सियां ने, ये सच्चियां रस्सियां नहीं है। और करना की है, इन्हां रस्सियां नूं तोड़ के प्यार दियां रस्सियां नाल जरूर अपने आप नूं बन्नो, जो किसी लिए कर सकते हो करो, बट ऑब्सैशन पोजैशंस छड़ दिओ। जिस तरह के बेड़ी जिहड़ी है पानी दे विच हुंदी है खड़ी, पर जिस दिन पानी उहदे अंदर आ जाए तो वह डुब जाती है। इस तरह रहना इस संसार दे विच है, पर इस संसार नूं अपने मन दे विच नहीं आन देना। जिस दिन ये संसार, ये बच्चे, ये माया मन विच आ गए, उस दिन असी डुब गए, उस दिन सुख तो असी परे। सो अगेन इन शॉर्टकट, वे टू बेगमपुरा इज रिमेंबर द गॉड, सेकेंड एप्रिशिएट योर पोजेशन, इंजॉय योर पोजेशन, एंड थर्ड इज अ बिग नो टू मोह एंड अ बिग येस टू लव। थैंक यू सो मच।